नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की। सबसे पहले तो नवरात्रों की सभी को शुभकामनाएं, हिंदू राष्ट्र की जय हो। जी हाँ, बताते चले, हिंदुओं का जो नव वर्ष लगता है, जो नया साल लगता है, और नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेल करके देखें, आपके जो माता की मूर्ति होगी या माता की प्रतिमा होगी, कहीं भी माता के मंदिर हो, तो ऐसा चंद्रमा जैसा और नीचे तारा निकल रहा है, वैसे ही तिलक लगा होता है। हम आपसे भी कहेंगे, नक्कटा कहेंगे, सभी हिंदू लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए वैसे हमें, मगर आप लोग भी कम नहीं हो, सभी लोग तिलक लगाना प्रारंभ कर दो। जी हाँ, माता दुर्गा के भी तिलक लगता है नवरात्रों में भी। आप लोग नहीं लगाओगे तिलक तो क्या कहें मैं आपको। ये देख सकते हैं, माता की बिंदिया, ऊपर चांद है और नीचे बिंदी है, स्टार मतलब तारा, और ऊपर चांद मतलब माता का जो तिलक है वो आज नवरात्रों में दिखाई दिया, आज जलवा हो गया, हिंदुओं का नवरात्रे सफल हुए। और सभी पर कृपा जरूर बरसेगी जिन्होंने पूरे नवरात्रों पर व्रत रखे हैं या उतरते चढ़ते रखे हैं। नवरात्रों की सभी को शुभकामनाएं, जय माता दी, जय दुर्गा मैया की। और नवरात्रों की ऐसे ही आप लोगों के पावन नवरात्रे आते रहें और पावन नवरात्रों में खुशी रहें। विश्वास मत तोड़ना, पूरा नवरात्रे करना और आपकी माँ पूरे इच्छा पूरी करेगी। और तिलक भी आप भी इस प्रकार से लगाने का प्रयास करें। और सभी हिंदुओं से निवेदन है, आप भी तिलक लगाएं और रोज लगा कर नहा धो क्रिया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। सन्यासी बाबा की जय, हिंदू राष्ट्र जय।